नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाए गए जागरूकता अभियान आज दिनांक 22 तारीख को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागदा शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्री सुरक्षा से संबंधित मामलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना था। जागरूकता अभियान नागदा शहर के निम्न स्थानों पर किया गया। सर्कुलेटिंग एरिया नागदा स्टेशन, यहाँ पर लोग आयोजित नुक्कड़ नाटक में लगभग 500 लोग उपस्थित रहे। मोदी खेल परिसर में कुल लगभग 600 लोगों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया गया। उक्त में लगभग 400 विद्यार्थी एवं 200 अन्य लोग उपस्थित रहे। भारत कॉमर्स स्कूल बिड़ला ग्राम नागदा उक्त जगह आयोजित नुक्कड़ नाटक में कुल लगभग 400 विद्यार्थियों शिक्षकों सहित नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया गया। रेलवे संफार फाटक, यहां पर आयोजित कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एनजीओ कार्यकर्ता उपस्थित रही। यहां पर लगभग कुल 200 लोगों ने कार्यक्रम को अटेंड किया। उक्त आयोजन को मीडिया द्वारा प्राथमिकता देते हुए कवर किया गया। यह एक प्राथमिक रिपोर्ट है। विस्तृत रिपोर्ट पेपर कटिंग के साथ कल दिनांक 23/1/2020 को प्रेषित किया जाएगा। आज आर्थिक के द्वारा मतलब स्वच्छता को लेकर एक मिशन चलाया गया, क्या मिशन था सर? आज जो हमारे रतलाम मंडल के श्रीमान मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय, उनके नेतृत्व में और उनके जो है मार्गदर्शन में जो है एक आरपीएफ की नुक्कड़ टीम का जो है गठन किया गया था, और वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक और बच्चों तक और महिलाओं तक विशेषकर जो है वो एक संदेश जो है देने के लिए ये प्रयास हम लोगों का रहता है कि गाड़ियों में जो है जो आवागमन बाधित ना हो, जिसका कारण एक जो है अलार्म चेन पुलिंग जो रेलवे ने दी है वो किसी पर्याप्त कारण के लिए दी है, लेकिन अपर्याप्त कारण और बिना वजह के जो है ये जो है चेन पुलिंग कर दी जाती है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि जो है यात्रियों को जो है अगली यात्रा नहीं कर पाते हैं, अपना इलाज नहीं कर